नमस्कार, अजेस्टो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा, अजेस्टो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 19 अक्टूबर, वार है शनिवार और हम शो में बात करेंगे प्यास की कीमतें दिवाली से पहले होंगी कम इसके बारे में। नवरात्रि का त्यौहार ख़त्म होते ही लोगों ने प्याज का उपयोग फिर से शुरू कर दिया है। इसी के साथ अब एक बार फिर से प्याज की कीमतें 100 रुपये किलो से ऊपर जा पहुँची हैं। इसे थामने के लिए सरकार ने अपने बफर स्टॉक से प्याज को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया है। एक ही बार में 1600 टन प्याज भेजने के लिए सरकार रेलगाड़ी का इस्तेमाल भी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने गुरुवार को बताया है कि उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत NCCF द्वारा खरीदे गए 16,000 मीट्रिक टन यानी कि लगभग 53 ट्रकों के बराबर प्याज को नासिक से दिल्ली NCR के लिए कंडा फास्ट ट्रेन द्वारा रेल द्वारा भेजा जा रहा है। प्याज की खेप 20 अक्टूबर 2024 तक दिल्ली NCR में पहुंचने वाली है और इस त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टॉक को थोक बाजार में जारी किया जाएगा। वहीं सरकार ने मूल स्थिरीकरण कोष से करीब 5,00,000 टन प्याज खरीद कर रखा है। इसी कोष से प्याज देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा रहा है, फिर वहां थोक मंडी में सस्ते दामों पर प्याज रिलीज की जाएगी। इससे लोगों को सस्ती कीमत पर प्याज मिल पाएगी। वहीं बताया गया है कि पहली बार सरकार रसोई की इस ज़रूरी सामग्री को रेलवे रेक के जरिए बड़े उपभोक्ता केंद्रों पर पहुंचा रही है। जहां प्याज पहुंच जाएगी तो फिर जेप्टो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल व सफल जैसे निजी खुदरा स्टोर के जरिए भी सरकार सस्ते प्याज बेचेगी। इस समय कई बड़े बाज़ारों में खुदरा बाज़ार में प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब जा पहुंची हैं, जिसके चलते सरकार को पिछले महीने से खुदरा बाज़ार में अपने स्टॉक से 35 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी वाली कीमत पर प्याज बेचना पड़ेगा। दोस्तों, अजेस्टो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ में काम करके पूर्ण विशेषण के साथ आपको और जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।